और इस बीच गाजियाबाद से बड़ी खबर है। भारत समाचार की खबर का बड़ा असर हुआ है। शमशान में दलाली खाने वालों पर केस दर्ज हुआ है। मुरादनगर हादसे में पुलिस ने केस दर्ज किया है। इयोनी हरका सिंह समेत 5 लोगों पर केस हुआ है। ठेकेदार अजय त्यागी जय चंद्रपाल पर मुकदमा हुआ है। पुलिस ने गैर इरादतन हत्या का केस लिखा है। आईपीसी की धारा 304, 337, 338 में केस दर्ज हुआ है। मृतक के परिजनों की तहरीर पर केस दर्ज किया गया है। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। जिस तरह से भारत समाचार ने लगातार सवाल उठाया था कि आखिर मामले में अभी तक FIR क्यों नहीं हुई, आरोपी ठेकेदार पर केस क्यों नहीं दर्ज हुआ, अब यहां पर भारत समाचार की खबर का बड़ा असर हुआ है और शमशान में भी दलाली खाने वालों पर अब कार्रवाई होना शुरू हो गई है। और सिखौर पर ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता लोकेश हमारे साथ जुड़े हैं। लोकेश, भारत समाचार की खबर का बड़ा असर, हमने लगातार ये सवाल उठाया और अब यहाँ पर कार्रवाई भी हो रही। बिल्कुल शलिन, दरअसल भारत समाचार ने सवाल खड़े किए थे कि घटना के 10 घंटे के बाद FIR क्यों नहीं हुई। इसके बाद ही जो है वो FIR की है और आईपीसी की धारा 304, 337, 338, 400, 427, 409 के तहत इन 5 धाराओं में दर्ज किया गया, जिसमें नगर पालिका परिषद मुरादनगर की अधिशासी अधिकारी निहारिका सिंह के अलावा जो ठेकेदार है जय त्यागी, उनके खिलाफ जिन जेई ने इस संबंध में रिपोर्ट दाखिल की थी, जिसमें उन्होंने गुणवत्ता कार्य की संतोषजनक चंद्रपाल, उनका भी नाम इसमें शामिल किया गया और साइट सुपरवाइजर जो आशीष है उनका भी है। इसके अलावा कुछ अज्ञात लोगों के नाम दाखिल किए गए हैं और ये पूरा मुकदमा जो है ये मृतक है उनके परिजन दीपक की तरफ से दर्ज कराया गया है मुरादनगर थाने में और वो आज की पूरी घटना बताई गई है। अब ये तय माना जा रहा है शैलेंद्र कि जो शमशान के घोटाले में जिन लोगों ने दलाली खाई है उन सभी के खिलाफ अवकाश और ये जब ये जांच आगे बढ़ेगी तब जा करके हुआ कि आखिर इस दलाली खाने वालों की फहरिस्त में कौन कौन लोग शामिल हैं। शैलेंद्र।